आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशी मठ रोपे पर खतरा बढ़ा, रिसाव तेज, दो और होटल हुए तिरछे। जोशी मठ को लेकर के शनिवार को आई तीन बड़ी खबरों ने शासन की चिंता बढ़ा दी। भू दशाव के कारण दो और बड़े होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए। जोशी मठ ओली रोपे भी भू दशाव की चपेट में आ गया है और जेपी कॉलोनी में फूटी जलधार के प्रभाव में भी तेजी आई है। होटल मलारी इन और माउंट व्यू की तरह ही रोपे की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्थित स्नो क्रेस्ट और कॉमेट होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं, जबकि होटलों की दीवारों और फर्श में दरारें उभर आई हैं। मालिकों ने दोनों होटल खाली कर दिए हैं। इसके अलावा शनिवार को नगर क्षेत्र में 22 और घरों में दरारें आ गईं। वहीं जेपी कॉलोनी में फूटी जलधारा का प्रभाव और तेज हो गया। यह 177 LPM से बढ़कर के 240 LPM हो गया है। उधर जोशी मठ ओली रोपे के नज़दीक खेतों में दरारें आ गई हैं। रोपे प्लेटफॉर्म की दीवारों पर भी दरारें पड़ गई हैं। दरारों का बढ़ा दायरा, दो और होटल खाली किए गए हैं। लोग न डरें इसलिए जोशी मठ में भू धसाव की सूचनाओं पर रोक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश की 12 एजेंसियों और विशेषज्ञ संगठनों को जोशी मठ के बारे में कोई भी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मीडिया को जारी करने पर रोक लगा दी है। विभिन्न स्रोतों से अलग अलग तरह की सूचनाओं के कारण देश भर में भ्रम की स्थिति पैदा होने और घटना प्रभावित निवासियों में डर बढ़ने का हवाला देते हुए यह रोक लगाई गई है। NDMA ने CBRI रुड़की और IIT रुड़की समेत इन संस्थानों के प्रमुखों को शनिवार को पत्र भेजकर सूचनाओं पर रोक लगाई। जोशी मठ में जल स्राव बढ़ा, रोपे पर मंडराया खतरा। इसरो ने हटाई इमेज। जोशी मठ में भू दशाओं पर जारी सैटेलाइट इमेज पर राज्य सरकार ने इसरो से कड़ी आपत्ति जताई। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसरो के निदेशक से फोन पर बात कर भू दशाओं पर अधिकृत बयान जारी करने या फोटो को हटाने को कहा। इसके बाद इसरो ने साइट से फोटो हटा दी। पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच SIT करेगी। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच SIT करेगी। ADG कानून व्यवस्था V गुरुगेशन ने मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। SIT की कमान SP अपराध रेखा यादव को सौंपी गई है। 8 सदस्यों वाली SIT हाई प्रोफाइल प्रकरण की जांच जल्द ही शुरू कर देगी। SSP अजय सिंह ने भी जाँच के लिए अहम बिंदुओं पर SIT को फोकस करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को उत्तराखंड STF ने पटवारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने पर पटापेच करते हुए लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी, उसकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। STF ने दावा किया था कि अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु ने अपने एक परिचित पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल को प्रश्न पत्र हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया था। शिक्षक राजपाल ने अपने रिश्तेदार के दामाद राजकुमार एवं भतीजे संजीव कुमार और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर 8 से 12 लाख में प्रश्न पत्र तैयार कर 35 अभ्यर्थियों को भेज दिया था। बाकायदा उन्हें लक्सर एवं बिहारीगढ़ सहारनपुर के एक रिजॉर्ट में ले जाकर प्रश्न पत्र हटाया गया था। STF ने इस संबंध में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए अन्य 2 आरोपी प्रमोद एवं मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। इधर आयोग ने अधिकारी को निलंबित कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 22 जनवरी को। तो लोक सेवा आयोग 22 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग ने परीक्षा संचालन के लिए 600 से ज़्यादा केंद्र बनाए हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही होगी। पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी। तो पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस जांच के बाद कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अति गोपनीय अनुभाग से ही भर्ती का पेपर लीक होने के बाद आयोग की किरकिरी हुई है। भंडाफोड़ करने के बावजूद STF को जांच क्यों नहीं। तो लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में खुलासा और 7 गिरफ्तारियों के बाद इस मामले की विवेचना हरिद्वार पुलिस को ही देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं आयोग के हरिद्वार में होने और स्थानीय पुलिस की जाँच से इसकी पड़ताल प्रभावित हो सकती है, जबकि STF ने UK SSC की ही तरह निष्पक्ष और तेजी से जाँच की उम्मीद थी। यहाँ तक कि आयोग ने खुद इस मामले में हर
कदम एसटीएफ की जांच के बाद उठाने की बात कही थी। इस मामले में एसटीएफ के पास पेपर लीक की सारी कड़ियां आ गई थी। ऐसे में जांच को आगे बढ़ाना बेहद आसान था, लेकिन स्थानीय पुलिस की एसआईटी पेपर लीक से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक एक एक पहलू की जाँच नए सिरे से करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, जिसमें वक्त भी लगेगा। उत्तराखंड में कोचिंग संस्थानों के लिए बनेगा सख्त कानून। तो उत्तराखंड के कोचिंग संस्थानों के नकल रैकेट से सांठगांठ के आरोपों के बाद सरकार इन पर लगाम लगाने जा रही है। इसके तहत कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। रविंद्र बोले, युवाओं को भरोसा दिलाएं। तो भारतीय जनता पार्टी नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग को आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए युवाओं को भरोसा में लेना होगा। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने पेपर लीक पर उठाए सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पेपर लीक होने के मामले में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जोशी ने सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि आयोग के अंदर की व्यवस्थाएँ ठीक न होने के कारण ही पेपर लीक होगा। शिक्षा गुणवत्ता में सुधार पर किया मंथन। तो शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में गोष्ठी कर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार पर मंथन करते हुए कहा, स्कूल शिक्षा व्यवस्था की मूल इकाई है, जिसका सशक्त होना जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों के खाली पदों को भरने के साथ ही प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने चाहिए। शिक्षा निदेशक वंदना गबरियाल ने बताया, शिक्षा विभाग की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। शासन और सरकार की भी यही मंशा है कि शीघ्र शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर खाली पदों को भरा जाए। वहीं डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कार्यालय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की हरिद्वार। तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा के क्रम में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के उपरांत जनपद हरिद्वार में आवंटित अभ्यर्थियों को घोषित किया जाता है कि वे द्विवर्षीय डीएलएड 2020-21 में प्रवेश हेतु 13 जनवरी से 21 जनवरी तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में समस्त वांछनीय अभिलेखों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार से टीरी के लिए भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो इसके लिए भी 13 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक का समय दिया गया है। 80 शिक्षकों ने सीएम से की तथार्थ नियुक्ति की मांग। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के नेतृत्व में अति शिक्षकों ने सचिवालय में सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अति शिक्षक प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। अति शिक्षक पिछले 5 साल से ज़्यादा अवधि से सेवाएँ दे रहे हैं, इसलिए तथार्थ रूप से समायोजित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी, महेश मासीवाल, छाया आदि शामिल रहे। नकल माफिया को नहीं प्रदेश सरकार का खौफ। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बार फिर अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में डाल दिया। त्रिवेंद्र ने कहा कि ताज़ा प्रकरणों को देखकर लगता है कि नकल माफिया को सरकार और कानून का खौफ नहीं है। राज्य सरकार को मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। मसूरी में हिमपात, हाड़ कपाती हवाओं से ठिठुरा दून। तो उत्तराखंड में लगातार चौथे दिन वर्षा बर्फबारी का क्रम जारी रहा। चोटियों पर भारी हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा से प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ गई। चार धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है, जबकि भारी हिमपात के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मसूरी, धनोल्टी, नैनीताल और चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी के चलते सैलानियों के चेहरे खिल उठे और इन क्षेत्रों में चहल पहल बढ़ गई। चक्राता व ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक। जोशीमठ में भूकंप के झटकों ने डराया। तो भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ में क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों को डरा दिया। भूकंप की संवेदनशीलता के लिहाज से जोन 5 में आने वाले जोशीमठ क्षेत्र के लोग बेहद डरे हुए हैं। मेले में भदगढ़ के दौरान 2 की मौत। तो कटक से खबर आई है, यात्रा में दौरा पड़ने से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन हो गया।
जोशीमठ में भारी निर्माण बेहद खतरनाक, तो आईआईटी रुड़की ने दी थी 8 टन प्रति स्क्वायर मीटर से भारी निर्माण नहीं करने की सलाह। दुनिया अब कान खोलकर सुनने लगी है भारत की बात। तो देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल और सॉल ऑफ स्टील एडवेंचर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दुस्साहस गडकरी को दाऊद के नाम से धमकी। सुरक्षा एजेंसियों में शनिवार को तब हड़कंप मच गया जब खबर आई कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के तौर पर उनके आवास और कार्यालय की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। धनोल्टी और चक्राता में बर्फबारी, पर्यटक उमड़े। चीन में कोरोना संक्रमण से 60,000 लोगों की मौत। तो चीन में दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 59,938 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उसने शनिवार को इसकी सूचना दी है। ऑनलाइन जॉब का झांसा दे महिला से 1.18 लाख ठगे। तो फेसबुक पर ऑनलाइन जॉब का विज्ञापन देख झांसे में आई महिला 1.18 लाख रुपये गवा बैठी। दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार। दून की एक नाबालिग सहित अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने सहारनपुर से किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। निवेश का झांसा दे 25 लाख हड़पे। तो एक व्यक्ति से उसकी पत्नी की चचेरी बहन ने निवेश के नाम पर 25 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुरकंडा धनोल्टी में बर्फबारी से इतराए पर्यटक। तो मसूरी के लाल टिब्बा धनोल्टी सुरकंडा और बुरांसखंडा क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शनिवार को पर्यटकों ने यहां पहुंचकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि मसूरी में केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र में ही बर्फ पड़ी, मुख्य शहर में बारिश हुई। लोगों को उम्मीद है कि शीघ्र ही मसूरी शहर में बर्फबारी होगी। 7 घंटे देरी से रवाना हुई राप्ती गंगा। तो दून आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों पर कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को गोरखपुर से आने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से पहुंची। देहरादून से भी इस ट्रेन को 7 घंटे 10 मिनट की देरी से 10:10 पर रवाना किया गया। स्टेशन अध्यक्ष शशांक शर्मा ने बताया कि यह ट्रेन लंबे समय से लेट हो रही है। बारिश से सड़कें कीचड़ में तब्दील, लोग परेशान। तो शुक्रवार रात हुई बारिश, शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। सबसे ज़्यादा परेशानी उन क्षेत्रों में हो रही है जहां सड़कें खुदी हैं। मकर संक्रांति मंदिरों में पूजा, गुरुद्वारों में कीर्तन। तो देहरादून में शनिवार को मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, तो गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। अखंड पाठ साहिब के भोग भी डाले गए। कई जगह खिचड़ी का प्रसाद बांटा गया। धूमधाम से निकली थी जगन्नाथ रथ यात्रा। रोडवेज मार्च तक 300 बसें उतारेगा। तो उत्तराखंड रोडवेज मार्च तक 300 अनुबंधित बसें सड़क पर उतारेगा। गिले शिकवे दूर कर एक मंच पर आए प्राथमिक शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए शिक्षक अपने गिले शिकवे दूर कर एक मंच पर आ गए। जल्द ही सभी 13 जिलों का प्रतिनिधि करते रखते हुए संयोजक मंडल का संगठन किया जाएगा जो प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव कराएगा। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय आइस स्केटिंग में जीते 21 पदक। प्रकृति ने संवारा, अंग्रेजों ने बचाया और हमने गवा दिया। तो अंग्रेजों ने उत्तराखंड में प्रकृति उपहार सहेजने के भरपूर उपाय किए थे। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत और बैरीनाग जैसे छोटे बड़े शहर इसके उदाहरण हैं। लेकिन अनियोजित विकास और पर्यटन के भार से अब इनकी सूरत बिगड़ती जा रही है। जोशीमठ पीड़ितों के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनेंगे। तो जोशीमठ के भूदशा प्रभावित क्षेत्रों के लोग यदि चाहेंगे तो सरकार उनकी सुरक्षित स्थानों पर स्थित जमीन पर प्री फैब्रिकेट मकान बनाकर देगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। जोशीमठ में भू धसाव से 782 घरों पर असर, 148 असुरक्षित घोषित। तो जोशीमठ के 9 वार्डों में 782 मकान भूदशाओं से प्रभावित हुए हैं। इनमें से 148 भवन को असुरक्षित जोन में रखा गया है। हरीश रावत बोले, सरकार नया जोशीमठ नगर बसाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नया जोशीमठ बसाने की वकालत की है। गोपेश्वर में मकानों में पड़ी दरारें अब चौड़ी होने लगी।
तो जिला मुख्यालय गोपेश्वर के भूधसाव वाले क्षेत्र हल्दा पानी लॉ के आसपास के कुछ मकानों में पूर्व में आई दरारें पिछले 10-15 दिनों से तेजी से फैल रही हैं, जिससे प्रभावित लोगों को डर सताने लगा है। प्रदेश में जल्द खुलेंगे 4 नए पॉलिटेक्निक। तो पूर्व सैनिकों की सहूलियत के लिए प्रदेश में 4 और पॉलिटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है। फिरौती वसूलने को लैब कर्मियों ने की थी कार्तिक की हत्या। तो रक्त जांच के नमूने लेने के लिए कलेक्शन सेंटर चलाने वाले कार्तिक की हत्या उसी के सेंटर पर काम करने वाले बिजनौर के 2 युवकों ने की थी। माँ बाप के इकलौते बेटे कार्तिक के परिवार से फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूलने के लिए उन्होंने पूरा ताना बाना बुना था। पुलिस ने लैब टेक्नीशियन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चंद घंटों के भीतर सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 से। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एमएससी एमए तृतीय सेमेस्टर और एलएलएम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये परीक्षाएं 28 जनवरी से शुरू होंगी। वही खबर है हरिद्वार से। ट्रक चालक ने दूसरे चालक के पेट में घोंपा चाकू। तो सिटकुल क्षेत्र में 2 ट्रक चालकों के बीच मामूली बात पर झगड़ा होने पर एक ने दूसरे के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आज 15 जनवरी को सेना दिवस है। अल्मोड़ा पुलिस ने मुंबई से बुजुर्ग महिला को ढूंढ निकाला। तो मुंबई में भटकी अल्मोड़ा जिले की बुजुर्ग हेमा देवी को पुलिस ने ढूंढ निकाला। मेडिकल परीक्षण व अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस बुजुर्ग हेमा देवी को लेकर सोमवार तक अल्मोड़ा पहुंच जाएगी। चालान कोर्ट में नहीं किया पेश, एसडीएम पर 5 लाख का जुर्माना। तो हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ पुलिस के पास 2015 से जब्त चौपहिया वाहन का चालान कोर्ट में पेश नहीं करने पर डीडीहाट एसडीएम पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 2 बकरों के साथ 1.25 लाख रुपए का लगाया था दंड। तो मोरिया के सालरा कौल महाराज मंदिर में प्रवेश करने वाले अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई व अंगारों से दागने के मामले में पीड़ित के पिता ने सवर्णों पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि बेटे की बहरहमी से पिटाई के अलावा मंदिर अपवित्र होने के आरोप में 1,25,000 रुपये और 2 बकरों का अर्थदंड भी गांव के कुछ सवर्ण समाज के ग्रामीणों ने लगाया है। अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई के बाद बैनोल गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रा की पिटाई मामले की बीओ को जांच के निर्देश दिए। तो शिक्षा विभाग ने एक शिक्षिका की ओर से छात्रा की पिटाई मामले को गंभीरता से लिया। पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रामेंद्र कुशवाहा ने खंड शिक्षा अधिकारी डुगड्डा को जाँच के निर्देश दिए हैं। चकराता में हल्की लोखंडी में भारी बर्फबारी। तो बर्फबारी का आनंद लेने लोखंडी पहुंचे पर्यटक, सीजन का दूसरा हिमपात होने से क्षेत्र में बढ़ गई है ठंड। जोनसार बाबर क्षेत्र में 16 घंटे तक ठप रही बिजली की आपूर्ति, लोग बेहाल हुए। एम्स ऋषिकेश के ट्रामा सेंटर में बढ़ेंगे 60 बेड। प्रदेश का पहला शौर्य स्थल सशस्त्र बलों को समर्पित किया गया। वही खबर आई है, मसूरी से ठेकेदार ने छोड़ा संचालन, बहुमंजिला पार्किंग बंद हुई। अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा आवेदन शुल्क। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती के लिए लिया गया आवेदन शुल्क अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा। वर्ष 2021 में परिषद ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में 2621 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन इन पदों की भर्ती नहीं हो पाई थी। बीआरओ में तैनात दून की सुरभि ने बनाया कीर्तिमान। तो विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 67 जूनियर व सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होगी। तो इंटरव्यू 27, 30 और 31 जनवरी को होगा।
नेशनल हाउसिंग बैंक में 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर विषय पर जाकर 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CISF में निकली भर्ती तो 451 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें कांस्टेबल से लेकर ड्राइवर तक के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर विषय पर जाकर 22 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, देहरादून से सिटी बस, ऑटो और विक्रम चालक करते हैं सवारियों से मारपीट। निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। तो 1200 करोड़ की ठगी में 4 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। कब्रिस्तान की भूमि पर चली JCP, तो कालसी से खबर आई है। वहीं फर्जी आयकर छापे का इनामी आरोपी दबोचा गया। पेपर लीक के आरोपी प्रमोद ने भी दी थी परीक्षा। तो MSc करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रुड़की में ले रहा था कोचिंग। संजीव की पत्नी का IO कार्यालय में था आना जाना। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे दिन भर बाधित रहा। धनोल्टी में हुआ सीजन का पहला हिमपात। केदारनाथ में 3.5 फीट बर्फ जम गई है। वही खबर है, उत्तरकाशी से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सांप्रदायिक स्वाद बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। तो मोरी पुलिस ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द विवेचना शुरू कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंदिर पर बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल। तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें मंजीत SDM व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कह रहे हैं कि यदि हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया तो मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से सुरंग निर्माण से मरोड़ा गांव में भूत असाव होने लगा है। पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन। उत्तरकाशी में माघ मेले का रंगारंग आगाज हुआ। आज पूरे दिन खुले रहेंगे श्री रघुनाथ मंदिर के कपाट। तो देवप्रयाग से खबर आई है, दरारों का बड़ा दायरा, 2 और होटल हुए खाली। पुलिस करेगी SC ST व छेड़छाड़ मामले की जांच। तो पौड़ी से खबर है, DM ने दिया आदेश, राजस्व पुलिस पूर्व में कर चुकी है मुकदमा दर्ज। वही खबर है, हरिद्वार से पैथोलॉजी लैब के 2 कर्मचारी ही निकले संचालक के हत्यारे। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। तो कड़ाके की सर्दी के बाद भी गंगा घाटों पर सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। टिहरी, पौड़ी, देहरादून और नैनीताल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वही खबर आई है, युवती पर टिप्पणी से ज्वालापुर में बवाल, तोड़फोड़। तो ज्वालापुर में युवती पर टिप्पणी करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और रॉड से लैस होकर हमला बोल दिया। दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ ही रेडी पर सामान बेचने वालों को भी जमकर पीटा। ठग गिरोह का एक बदमाश गिरफ्तार। तो हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति से की थी 15 लाख की धोखाधड़ी। वहीं खबर आई है, हैदराबाद हरिद्वार से हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। उत्तरायणी महोत्सव में दिखेगी संस्कृति की झलक। वहीं खबर है, हरिद्वार से रोडवेज बस की टक्कर से 1 की मौत, 1 घायल। तो रोड़ी बेरवाला चौकी क्षेत्र में चंडी घाट के पुल पर तेज रफ्तार उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस ने साइकिल सवार 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिसमें 1 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। विधानसभा के बाहर 27वें दिन भी जारी रहा धरना। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष ने अपने माता पिता को नौकरी पर बहाल करने की गुहार लगाई। शनिवार को विधानसभा के बाहर इन कर्मचारियों का धरना 27वें दिन भी जारी रहा। आसानी से नए उद्योग लगाने के लिए मुहैया होगी जमीन। STF के रडार पर आई कई कोचिंग सेंटर। तो खुलासा होने के बाद कई संचालक हुए भूमिगत। अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा आवेदन शुल्क। तो नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। शुल्क वापस लेने के लिए 15 फरवरी तक करना होगा आवेदन। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से आवेदन शुल्क वापस लेने के लिए अभ्यर्थियों को 16 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन करना होगा। वहीं खबर, हल्द्वानी से खून की जाँच के नाम पर रुपये लेकर एक युवक फरार हो गया।
वहीं खबर है मुनस्यार से, पंचाचोली क्षेत्र में आया बर्फीला तूफान। तो उच्च हिमालय क्षेत्र पंचाचोली में बर्फीला तूफान आया है। तूफान से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। तूफान से उड़ रहे बर्फ के कारण मुनस्यारी में दिखाई दे रहे थे। वही खबर है पिथौरागढ़ से लाखों की ठगी के दो इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। टनकपुर से खबर है सिलेंडर फटने से चालक झुलसा, अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर है चंपावत से 310 दुग्ध उत्पादों को 10 लाख का बोनस मिला। बेड़ीनाक से खबर है लोगों को छठे दिन मिल रहा है पानी। भूत असाव की जद में है दशक से पत्यूड़ी और कैन खोली। ओली रोपे के नजदीक पहुंची दरारें, दो और होटल हुए तिरछे। बागेश्वर में स्टेडियम कपकोट में बनेगा पॉलिटेक्निक भवन। बहुरंगी छटा से कारो सरोबोर हुआ बागेश्वर, सांस्कृतिक झांकी में हर रंग आया नजर। अल्मोड़ा प्रधान डाकघर में सर्वर फेल, कामकाज ठप रहा। वहीं खबर है अल्मोड़ा सोमेश्वर से पटवारी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। तो अल्मोड़ा और सोमेश्वर में कांग्रेसियों ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला। धरी रहेगी राजकीय मेला घोषित होने की आस। तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। वहीं खबर यह सितारगंज से चरस तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। तो पुलिसकर्मियों के पीछे दौड़ाया पालतू कुत्ता, दो कांस्टेबल घायल हो गए। दो शिक्षण संस्थानों पर हो सकती है कार्रवाई। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के दौरान सितारगंज के दो शिक्षण संस्थान अनियमितताएं मिली हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से 5 साल की मासूम की जान गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है लकड़ी लेने जा रही थी मां के साथ गया था मासूम ऋतिक। वहीं खबर है किच्छा से संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला श्रमिक का शव। सुल्तानपुर से खबर आई है क्रॉसिंग के पास नाली में पड़ा मिला युवक का शव। मरीज की मौत, एम्बुलेंस के देर से आने पर हंगामा किया गया। वहीं खबर है रुद्रपुर से चाकू से गोद कर युवक को घायल कर दिया।